नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब आपका मंगल कमजोर होता है तो आपकी लाइफ में ढेरों क्राइसिस आने लग जाती हैं। ऐसे क्रक्स आ जाते हैं जो आपकी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। कितनी बार आपने देखा होगा दोस्तों, कई लोग पूरी पूरी जिंदगी भाड़े के मकान में रहते हैं, उनका अपना मकान नहीं हो पाता है। होता भी है तो लिए दिए सा है, नहीं है उसका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती, इस टाइप का उनका मकान होगा। खुद की कभी कोई ज़मीन नहीं होती है। बाहर से भले वो मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो बाहर से बहुत ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से बहुत बहुत डरपोक होते हैं और कुछ तिकड़मी होते हैं। हद से ज़्यादा सेल्फीज हो जाते हैं। यदि मंगल के साथ चंद्र भी उनका दूषित है, दिमाग में चिड़चिड़ापन, भारीपन होना, अंदर से कुछ हद तक डरपोक होना, कभी उनके अंदर देने वाली वृत्ति नहीं आती है, लेने वाली वृत्ति, घर से, समाज से, परिवार से, उनसे भी जिनसे नहीं लेना चाहिए, जिनको देना चाहिए लेकिन उनकी वृत्ति होती है ले लें। आप देखना दोस्तों, जिनके मंगल मजबूत है उनका नेचर ही अलग होता है, शेर जैसे जीते हैं। उनके अंदर कभी डर नहीं होता है, भय नहीं होता है, त्वरित निर्णय लेने की शक्ति होती है और जमीन, मकान, दिस और दैट सब कुछ वो खरीदने की ताकत रखते हैं। मंगल यदि आपका कमजोर है दोस्तों, शादी होने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है। जो लोग मंगली हैं वो तो यदि मंगल की शांति न करवाएं और शादी कर लें तो जो कपल से उन्हें वियोग सहन करना पड़ता है, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, चाहे वो डिवोर्स है चाहे वो कोई और कारण हो। तो दोस्तों, मंगल को यदि आप मजबूत बनाना चाहते हैं तो जो भी मैं वीडियोज़ में मंगल के उपाय डालती हूँ, मंगल को प्रसन्न करने के उपाय, उन्हें आप अवश्य ही फॉलो करें। मंगलवार के दिन लाल गाय को रोटी के ऊपर गुड़ घी रख करके खिलाना शुरू कर दें, आपके मंगल मजबूत बनेंगे। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में नंगे पैर, मतलब कि बिना चप्पल के आप चल करके जाएं, जा करके हनुमान जी को लौंग की माला और गुलाब के पुष्प अवश्य ही अर्पित करें। दोनों में से कोई भी एक चीज़ या दोनों अर्पित कर सकते हैं तो दोनों अर्पित करें। मंगलवार के दिन दोस्तों हनुमान जी के मंदिर में उन्हें चोला अवश्य ही चढ़ाएं। कच्चे धागे में लाल या सफ़ेद रंग का आप धागा पसंद करें, उसमें फूल वाली लौंग 21, 51, 108 उसके उस जैसे आप फूल को उसमें धागे में बांधते हैं, ऐसे लौंग को बांध करके हनुमान जी को अर्पित करना शुरू करें। आप देखेंगे आपका काम बहुत जल्दी होना शुरू हो जाएगा। मंगलवार के दिन दोस्तों यदि आपका कोई ऐसा काम है जो नहीं हो रहा है, काफ़ी टाइम से आप परेशान हैं, तो थोड़ी आप छोटे छोटे जिसे चमचम कहा जाता है, कुछ गुलकंद इस टाइप से, आप रेड कलर के छोटे छोटे मीठी मीठी गोली सी आती है, आप वो डलवाएं। आप जब पान के गले में जाएंगे, बोलेंगे कि ये पान मुझे हनुमान जी को अर्पित करना है, माता रानी को अर्पित करना है, तो उस टाइप का पान बना करके देते हैं, इसके अंदर चूना वगैरह नहीं लगाते हैं। आप ऐसा पान बनवाएं दोस्तों और उस पान के अंदर एक लौंग रखें। आप अपनी पहले इच्छा बोलें, उस लौंग को हाथ में लेकर के और उस लौंग को आप पान के अंदर रखें और हनुमान जी को अर्पित करें। कम से कम 5 मंगलवार दोस्तों आप इस क्रिया को करें, आपका काम बहुत ही जल्दी होना शुरू हो जाएगा। हनुमान जी के मंदिर से आप मिट्टी लेकर के आए और उस मिट्टी को दोस्तों आप अपने घर में पूजा स्थान में रखें। आपके घर में जहाँ तुलसी का गमला हो, उस गमले में उस मिट्टी को डाल दें और रोज़ उसमें दिया बत्ती करें शाम के समय। बहुत ज़बरदस्त आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों, जो स्पेशली आज मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी इच्छा आपकी अधूरी है, कोई ऐसा काम जो पूरा नहीं हो रहा है, तो मंगलवार के दिन आप पीपल का एक पत्ता ले लें, पत्ते को धो करके स्वच्छ कर लें, गंगा जल से धो लें, घर के शुद्ध पानी से धो करके उसे स्वच्छ करें। और दोस्तों, उस पत्ते में जो सीधे साइड है, जो चिकनी साइड है, उस तरफ आप सिंदूर से अपनी इच्छा लिखें, सिंदूर से आप अपनी इच्छा लिखें।
लिख करके उसके नीचे दोस्तों आप 9 बार राम 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 ये लिख दें और 9 का अंक लिख दें 9 और राम राम लिखें 9 बार और अपनी इच्छा लिखें और उस पीपल के पत्ते के ऊपर एक गुलाब का फूल और थोड़ी सी मिठाई, लड्डू हो या फिर गुड़ और गेहूं के आटे से बनी हुई कोई भी आइटम हो जो मीठी हो, जैसे गेहूं का आटा है, घी है और गुड़ है जिसका आप सीरा भी बना सकते हैं और काफ़ी दूसरी आइटम बनती है, छोटे छोटे लड्डू भी बनते हैं, आप उसको रख करके और हनुमान जी के मंदिर में ले करके जाएं। हनुमान जी को आप उस पत्ते को अर्पित कर दें और वहाँ बैठ करके आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपनी इच्छा बोलें। बहुत जल्दी दोस्तों आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा, आपकी जो भी इच्छा है बहुत जल्दी इच्छा पूरी होगी। इस उपाय को दोस्तों आप कम से कम 9 मंगलवार करें, 9 मंगलवार नहीं कर सकते हैं तो 5 तो अवश्य ही करें, आप खुद देखेंगे कि आपके काम पूरे होने के योग बनने शुरू हो जाएंगे और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। मंगलवार के दिन दोस्तों इस उपाय को कर लें, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। करते रहें, खुश रहें। ये सब कुछ करने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती हो, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।